लव्य व्यवस्था अध्याय 14। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, कोढ़ी के शुद्ध ठहरने की व्यवस्था यह है कि वह याजक के पास पहुंचाया जाए और याजक छावनी के बाहर जाए और याजक उस कोढ़ी को देखे, और यदि उसके कोढ़ की व्याधि चंगी हुई हो तो याजक आज्ञा दे कि शुद्ध ठहराने वाले के लिए दो शुद्ध और जीवित पक्षी, देवदारू की लकड़ी और लाल रंग का कपड़ा और जूफा, ये सब लिए जाए, और याजक आज्ञा दे कि एक पक्षी बहते हुए जल के ऊपर मिट्टी के पात्र में बलि किया जाए। तब वह जीवित पक्षी को देवदारू की लकड़ी और लाल रंग के कपड़े और जूफा, इन सबों को लेकर एक संग उस पक्षी के लहू में जो बहते हुए जल के ऊपर बलि किया गया है डुबा दे, और कोढ़ से शुद्ध ठहरने वाले पर 7 बार छिड़क कर उसको शुद्ध ठहराए। तब उस जीवित पक्षी को मैदान में छोड़ दे, और शुद्ध ठहरने वाला अपने वस्त्रों को धोए और सब बाल मुंडवा कर जल से स्नान करे, तब वह शुद्ध ठहरेगा और उसके बाद वह छावनी में आने पाए, परंतु 7 दिन तक अपने डेरे से बाहर ही रहे, और 7वें दिन वह सिर, दाढ़ी और भवों के सब बाल मुंडवाए और सब अंग मुंडन कराए और अपने वस्त्रों को धोए और जल से स्नान करे, तब वह शुद्ध ठहरेगा। और 8वें दिन वह 2 निर्दोष भेड़ के बच्चे और 1 वर्ष की निर्दोष भेड़ की बच्ची और बलिदान के लिए तेल से सना हुआ एपा का 3/10 अंश मैदा और लोज भर तेल लाए, और शुद्ध ठहराने वाला याजक इन वस्तुओं समेत उस शुद्ध होने वाले मनुष्य को यहोवा के सन्मुख मिलाप वाले तंबू के द्वार पर खड़ा करे। तब याजक एक भेड़ का बच्चा लेकर दोषबलि के लिए उसे और उस लोज भर तेल को समीप लाए, और इन दोनों को हिलाने की भेंट के लिए यहोवा के सामने हिलाए, और वह उस भेड़ के बच्चे को उसी स्थान में जहां वह पापबलि और होमबलि पशुओं का बलिदान किया करेगा, अर्थात पवित्र स्थान में बलिदान करे, क्योंकि जैसा पापबलि याजक का निज भाग होगा वैसा ही दोषबलि भी उसी का निज भाग ठहरेगा, वह परम पवित्र है। तब याजक दोषबलि के लोहू में से कुछ लेकर शुद्ध ठहराने वाले के दहिने कान के सिरे पर और उसके दहिने हाथ और दहिने पांव के अंगूठों पर लगाए, और याजक उस लोज भर तेल में से कुछ लेकर अपने बाएं हाथ की हथेली पर डाले, और याजक अपने दहिने हाथ की उंगली को अपने बाई हथेली पर के तेल में डुबाकर उस तेल में से कुछ अपनी उंगली से यहोवा के सन्मुख 7 बार छिड़के, और जो तेल उसकी हथेली पर रह जाएगा याजक उसमें से कुछ शुद्ध होने वाले के दहिने कान के सिरे पर और उसके दहिने हाथ और दहिने पांव के अंगूठों पर दोषबलि के लोहू के ऊपर लगाए, और जो तेल याजक की हथेली पर रह जाए उसको वह शुद्ध होने वाले के सिर पर डाल दे, और याजक उसके लिए यहोवा के सामने प्रायश्चित करे, और याजक पाप बलि को भी चढ़ाकर उसके लिए जो अपनी अशुद्धता से शुद्ध होने वाला हो प्रायश्चित करे, और उसके बाद होमबलि पशु का बलिदान करे, अन्नबलि समेत वेदी पर चढ़ाए, और याजक उसके लिए प्रायश्चित करे और वह शुद्ध ठहरेगा। परंतु यदि वह दरिद्र हो और इतना लाने के लिए उसके पास पूंजी न हो तो वह अपना प्रायश्चित करवाने के निमित्त हिलाने के लिए भेड़ का बच्चा दोषबलि के लिए और तेल से सना हुआ एपा का 10वां अंश मैदा अन्नबलि करके और लोज भर तेल लाए, और 2 पंडुक व कबूतरी के 2 बच्चे लाए जो वह ला सके, और इनमें से 1 तो पाप बलि के लिए और दूसरा होमबलि के लिए हो, और 8वें दिन वह इन सबों को अपने शुद्ध ठहरने के लिए मिलाप वाले तंबू के द्वार पर यहोवा के सन्मुख याजक के पास ले आए। तब
याजक उस लोज भर तेल और दोष बलि वाले भेड़ के बच्चे को लेकर हिलाने की भेंट के लिए यहोवा के सामने हिलाए, फिर दोष बलि के भेड़ के बच्चे का बलिदान किया जाए और याजक उसके लहू में से कुछ लेकर शुद्ध ठहरने वाले के दहिने कान के सिरे पर और उसके दहिने हाथ और दहिने पांव के अंगूठों पर लगाए। फिर याजक उस तेल में से कुछ अपने बाएं हाथ की हथेली पर डालकर अपने दहिने हाथ की उंगली से अपनी बाई हथेली पर के तेल में से कुछ यहोवा के सन्मुख सात बार छिड़के। फिर याजक अपनी हथेली पर के तेल में से कुछ शुद्ध ठहराने वाले के दहिने कान के सिरे पर और उसके दहिने हाथ और दहिने पांव के अंगूठों पर दोष बलि के लहू के स्थान पर लगाए, और जो तेल याजक की हथेली पर रह जाए उसे वह शुद्ध ठहराने वाले के लिए यहोवा के सामने प्रायश्चित करने को उसके सिर पर डाल दे। तब वह पंडुको व कबूतरी के बच्चों में से जो वह ला सका हो एक को चढ़ाए, अर्थात जो पक्षी वह ला सका हो उनमें से वह एक को पाप बलि के लिए और अन्न बलि समेत दूसरे को होम बलि के लिए चढ़ाए। इस रीति से याजक शुद्ध ठहरने वाले के लिए यहोवा के सामने प्रायश्चित करे, जिसे कोढ़ की व्याधि हुई हो और उसके इतनी पूंजी न हो कि वह शुद्ध ठहरने की सामग्री को ला सके, तो उसके लिए यही व्यवस्था है। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, जब तुम लोग कनान देश में पहुंचो जिसे मैं तुम्हारी निज भूमि होने के लिए तुम्हें देता हूं, उस समय यदि मैं कोढ़ की व्याधि तुम्हारे अधिकार के किसी घर में दिखाऊं, तो जिसका वह घर हो वह आकर याजक को बता दे कि मुझे ऐसा देख पड़ता है कि घर में मानो कोई व्याधि है, तब याजक आज्ञा दे कि उस घर में व्याधि देखने के लिए मेरे जाने से पहले उसे खाली करो, कहीं ऐसा न हो कि जो कुछ घर में हो वह सब अशुद्ध ठहरे और पीछे याजक घर देखने को भीतर जाए, तब वह उस व्याधि को देखे, और यदि वह व्याधि घर की दीवारों पर हरी हरी व लाल लाल मानो खुदी हुई लकीरों के रूप में हो और ये लकीरें दीवार में गहरी देख पड़ती हो, तो याजक घर से बाहर द्वार पर जाकर घर को सात दिन तक बंद कर रखे और सातवें दिन याजक आकर देखे, और यदि वह व्याधि घर की दीवारों पर फैल गई हो तो याजक आज्ञा दे कि जिन पत्थरों को व्याधि है उन्हें निकालकर नगर से बाहर किसी अशुद्ध स्थान में फेंक दे और वह घर के भीतर ही भीतर चारों ओर खुरचवाए, और वह खुरचन की मिट्टी नगर से बाहर किसी अशुद्ध स्थान में डाली जाए, और उन पत्थरों के स्थान में और दूसरे पत्थर लेकर लगाए, और याजक ताजा गारा लेकर घर की जुड़ाई करे, और यदि पत्थरों के निकाले जाने और घर के खुरचे और लेसे जाने के बाद वह व्याधि फिर घर में फूट निकले, तो याजक आकर देखे, और यदि वह व्याधि घर में फैल गई हो तो वह जान ले कि घर में गलित कोढ़ है, वह अशुद्ध है, और वह सब गारे समेत पत्थर लकड़ी और घर को खुदवा कर गिरा दे और उन सब वस्तुओं को उठवाकर नगर से बाहर किसी अशुद्ध स्थान में फेंक दे, और जब वह घर बंद रहे तब तक यदि कोई उसमें जाए तो वह सांझ तक अशुद्ध रहे, और जो कोई उस घर में सोए वह अपने वस्त्रों को धोए, और जो कोई उस घर में खाना खाए वह भी अपने वस्त्रों को धोए, और यदि याजक आकर देखे कि जब से घर लेसा गया है तब से उसमें व्याधि नहीं फैली है, तो यह जानकर कि वह व्याधि दूर हो गई है घर को शुद्ध ठहराए, और उस घर को पवित्र करने के लिए दो पक्षी, देवदार की लकड़ी, लाल रंग का कपड़ा और जूफा लिवा लाए, और एक पक्षी बहते हुए जल के ऊपर मिट्टी के पात्र में बलिदान करे, तब वह देवदारू की लकड़ी, लाल रंग के कपड़े और जूफा
और जीवित पक्षी इन सबों को लेकर बलिदान किए हुए पक्षी के लोहू में और बहते हुए जल में डुबा दे और उस घर पर 7 बार छिड़के, और वह पक्षी के लोहू और बहते हुए जल और जीवित पक्षी और देवदारू की लकड़ी और जूफा और लाल रंग के कपड़े के द्वारा घर को पवित्र करे। तब वह जीवित पक्षी को नगर के बाहर मैदान में छोड़ दे। इसी रीति से वह घर के लिए प्रायश्चित करे, तब वह शुद्ध ठहरेगा। सब भांति के कोढ़ की व्याधि और सेवुए और वस्त्र और घर के कोढ़ और सुजन और पपड़ी और फूल के विषय में शुद्ध और अशुद्ध ठहराने की शिक्षा की व्यवस्था यही है। सब प्रकार के कोढ़ की व्यवस्था यही है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15वां अध्याय। सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना न रहे तो वह डाली की नाई फेंक दिया जाता और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती हैं। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहें तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही मैंने तुमसे प्रेम रखा। मेरे प्रेम में बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूं। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे के प्रेम रखो। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। जो कुछ मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं यदि उसे करो तो तुम मेरे मित्र हो। अब से मैं तुम्हें दास न कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी। तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें ठहराया ताकि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। इन बातों की आज्ञा मैं तुम्हें इसलिए देता हूं कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे भी बैर रखा। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रीति रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसीलिए संसार तुमसे बैर रखता है। जो बात मैंने तुमसे कही थी कि दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता, उसको याद रखो। यदि उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे, यदि उन्होंने मेरी बात मानी तो तुम्हारी भी मानेंगे। परंतु यह सब कुछ वे मेरे नाम के कारण तुम्हारे साथ करेंगे, क्योंकि वे मेरे भेजने वाले को नहीं जानते। यदि मैं न आता और उनसे बातें न करता तो वे पापी न ठहरते, परंतु अब उन्हें उनके पाप के लिए कोई बहाना नहीं। जो मुझसे बैर रखता है वह मेरे पिता से भी बैर रखता है। यदि मैं उनमें वे काम न करता जो और किसी ने नहीं किए तो वे पापी नहीं ठहरते, परंतु अब तो उन्होंने मुझे और मेरे पिता दोनों को देखा और दोनों से बैर किया। और यह इसलिए हुआ कि वह वचन पूरा हो जो उनकी व्यवस्था में लिखा है कि उन्होंने मुझसे व्यर्थ बैर किया,
परंतु जब वह सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वह मेरी गवाही देगा और तुम भी गवाह हो क्योंकि तुम आरंभ से मेरे साथ रहे हो। यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 36। यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 36। फिर हे मनुष्य के संतान, तू इस्राएल के पहाड़ों से भविष्यवाणी करके कह, हे इस्राएल के पहाड़ों, यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा यो कहता है, शत्रु ने तो तुम्हारे विषय में कहा है, आहा, प्राचीन काल के ऊंचे स्थान अब हमारे अधिकार में आ गए। इस कारण भविष्यवाणी करके कह, परमेश्वर यहोवा यो कहता है, लोगों ने जो तुम्हें उजाड़ा और चारों ओर से तुम्हें ऐसा निगल लिया कि तुम बची हुई जातियों का अधिकार हो जाओ, और लूतरे तुम्हारी चर्चा करते और साधारण लोग तुम्हारी निंदा करते हैं। इस कारण हे परमेश्वर के, हे इस्राएल के पहाड़ों, परमेश्वर यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा तुमसे यो कहता है, अर्थात पहाड़ों और पहाड़ियों से और नालों और तराइयों से और उजड़े हुए खंडहरों और निर्जन नगरों से जो चारों ओर की बची हुई जातियों से लूट गए और उनके हंसने के कारण हो गए हैं। परमेश्वर यहोवा यो कहता है, निश्चय मैंने अपनी जलन की आग में बची हुई जातियों के और सारे एदोम के विरुद्ध में कहा है कि जिन्होंने मेरे देश को अपने मन के पूरे आनंद और अभिमान से अपने अधिकार में किया है कि वह पराया होकर लूटा जाए। इस कारण इस्राएल के देश के विषय में भविष्यवाणी करके पहाड़ों पहाड़ियों नालों और तराइयों से कह, परमेश्वर यहोवा यो कहता है, देखो तुमने जातियों की निंदा सही है, इस कारण मैं अपनी बड़ी जलजलाहट से बोला हूं। परमेश्वर यहोवा यो कहता है, मैंने यह शपथ खाई है कि निसंदेह तुम्हारे चारों ओर जो जातियां हैं उनको अपनी निंदा आप ही सहने पड़ेगी, परंतु हे इस्राएल के पहाड़ों, तुम पर डालियां पनपेंगी और उनके फल मेरी प्रजा इस्राएल के लिए लगेंगे, क्योंकि उसका लौटाना निकट है, और देखो मैं तुम्हारे पक्ष में हूं और तुम्हारी ओर कृपा दृष्टि करूंगा और तुम जोते बोए जाओगे और मैं तुम पर बहुत मनुष्य अर्थात इस्राएल के सारे घराने को बसाऊंगा और नगर फिर बसाए और खंडहर फिर बनाए जाएंगे और मैं तुम पर मनुष्य और पशु दोनों को बहुत बढ़ाऊंगा और वे बढ़ेंगे और फूले फलेंगे और मैं तुमको प्राचीन काल की नाई बसाऊंगा और पहले से अधिक तुम्हारी भलाई करूंगा। तब तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूं और मैं ऐसा करूंगा कि मनुष्य अर्थात मेरी प्रजा इस्राएल तुम पर चले फिरेगी और वे तुम्हारे स्वामी होंगे और तुम उनका निज भाग होगे और वे फिर तुम्हारे कारण निर्वंश न हो जाएंगे। परमेश्वर यहोवा यो कहता है, जो लोग तुमसे कहा कहते हैं कि तू मनुष्य का खाने वाला है और अपने पर बसी हुई जाति को निर्वंश कर देता है, सो फिर तू मनुष्यों को न खाएगा और न अपने पर बसी हुई जाति को निर्वंश करेगा। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है, और मैं फिर जाति जाति के लोगों से तेरी निंदा न सुनवाऊंगा और तुझे जाति जाति की ओर से फिर नामधराई न सहने पड़ेगी और तुझ पर बसी हुई जाति को तू फिर ठोकर न खिलाएगा। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, जब इस्राएल का घराना अपने देश में रहता था तब अपनी चाल चलन और कामों के द्वारा वे उसको अशुद्ध करते थे। उनकी चाल चलन में कृतुमती की अशुद्धता सी जान पड़ती थी, सो जो हत्या उन्होंने देश में की और देश को अपनी मूर्तों के द्वारा अशुद्ध किया, इसके कारण मैंने उन पर अपनी जलजलाहट भड़काई और मैंने उन्हें जाति जाति में तीतर बीतर किया और वे देश देश में छितर गए। उनके चाल चलन और कामों के अनुसार मैंने उनको दंड दिया, परंतु जब वे उन जातियों में पहुंचे जिनमें वे पहुंचाए गए तब उन्होंने मेरे पवित्र नाम को अपवित्र ठहराया, क्योंकि लोग
उनके विषय में यह कहने लगे, ये यहोवा की प्रजा है परंतु उसके देश से निकाले गए हैं, परंतु मैंने अपने पवित्र नाम की सुधि ली, जिससे इस्राएल के घराने ने उन जातियों के बीच अपवित्र ठहराया था जहां वे गए थे। इस कारण तू इस्राएल के घराने से कह, परमेश्वर यहोवा यो कहता है, हे इस्राएल के घराने, मैं इसको तुम्हारे निमित्त नहीं परंतु अपने पवित्र नाम के निमित्त करता हूं, जिसे तुमने उन जातियों में अपवित्र ठहराया जहां तुम गए थे, और मैं अपने बड़े नाम को पवित्र ठहराऊंगा जो जातियों में अपवित्र ठहराया गया, जिसे तुमने उनके बीच अपवित्र किया, और जब मैं उनकी दृष्टि में तुम्हारे बीच पवित्र ठहरूंगा, तब वे जातियां जान लेंगी कि मैं यहोवा हूं, परमेश्वर यहोवा की यही वाणी हूं। मैं तुमको जातियों में से ले लूंगा और देशों में से इकट्ठा करूंगा और तुमको तुम्हारे निज देश में पहुंचा दूंगा। मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे, और मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता और मूर्तों से शुद्ध करूंगा। मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, और तुम्हारी देह में पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा, और मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियम को मानकर उनके अनुसार करोगे। तुम उस देश में बसोगे जो मैंने तुम्हारे पितरों को दिया था, और तुम मेरी प्रजा ठहरोगे और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा, और मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता से छुड़ाऊंगा और अन्न उपजाने की आज्ञा देकर उसे बढ़ाऊंगा और तुम्हारे बीच अकाल न डालूंगा। मैं वृक्षों के फल और खेत की उपज बढ़ाऊंगा कि जातियों में अकाल के कारण फिर तुम्हारी नामधराई न होगी। तब तुम अपने बुरे चाल चलन और अपने कामों को जो अच्छे नहीं थे स्मरण करके अपने अधर्म और घिनौने कामों के कारण अपने आप से घृणा करोगे। परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, तुम जान लो कि मैं इसको तुम्हारे निमित्त नहीं करता। हे इस्राएल के घराने, अपने चाल चलन के विषय में लज्जित हो और तुम्हारा मुख काला हो जाए। परमेश्वर यहोवा यो कहता है, जब मैं तुमको तुम्हारे सब अधर्म के कामों से शुद्ध करूंगा, तब तुम्हारे नगरों को बसाऊंगा और तुम्हारे खंडहर फिर बनाए जाएंगे, और तुम्हारा देश जो सब आने वालों के सामने उजाड़ है, वह उजाड़ होने की संति जोता बोया जाएगा, और लोग कहा करेंगे, यह देश जो उजाड़ था सो एदन की बारिशा हो गया, और जो नगर खंडहर और उजाड़ हो गया और ढल गए थे सो गढ़वाले हुए और बसाए गए हैं। तब जो जातियां तुम्हारे आसपास बची रहेंगी सो जान लेंगी कि मुझ यहोवा ने ढाए हुए को फिर बनाया और उजाड़ में पेड़ रोपे हैं। मुझ यहोवा ने यह कहा है और ऐसा ही करूंगा, परमेश्वर यहोवा यो कहता है। इस्राएल के घराने में फिर मुझसे विनती की जाएगी कि मैं उनके लिए यह करूं, अर्थात मैं उनके मनुष्यों की गिनती भेड़ बकरियों की नाई बढ़ाऊंगा, जैसे पवित्र समयों की भेड़ बकरियां अर्थात नियत पर्वों के समय यरूशलेम की भेड़ बकरियां अनगिनत होती है, वैसे ही जो नगर अब खंडहर है वे अनगिनत मनुष्यों के झुंडों से भर जाएंगे। तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूं।